भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सभी भाई बहन वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो भी चैनल से ना जुड़े हों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी अपनी आल पर दबा लें। अगर चैनल से जुड़े रहोगे तो हमेशा सच्ची जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल शाम वाले वीडियो पर जो स्टार्टिंग में सबसे पहले तीन कमेंट्स आए हैं, जिनमें पहला खुशबू यादव जी का, दूसरा जीआरएस जनार्दन वर्मा जी का, तीसरा मिस्ट्री वर्ल्ड का। अब बात करते हैं अपनी खबरों पर आते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये एक मैसेज भेजा है हमारे पास उर्वशी बहन जो पीलीभीत से आती है। उन्होंने कहा है कि हमारी कुंती बहन है उनका देहांत हो गया है, डेंगू से जो है उनकी डेथ हो गई है। तो सभी लोग जो है बहन की आत्मा की शांति के लिए एक बार कमेंट्स बॉक्स में ओम शांति जरूर लिख देना। अब बात करते हैं यहां पर और भी जानकारी आपको दिखानी है। एक और यहां पर दुखद समाचार आया है, दो बहनों की डेथ वगैरह हुई है। इनमें आपको बता दें ये वाला मैसेज भेजा है राकेश जो है कुमारी बहन जो कि लखनऊ से आती है। और यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने लिखा है कि लखनऊ मोहनलालगंज के जो है यहां पर मस्तीपुर की आंगनबाड़ी रामपति दीदी, इनका जो है निधन हो गया है और इनकी भी आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन कमेंट्स बॉक्स में एक बार ओम शांति जरूर लिखना। तो आज जो है दो दो शोक संदेश आप लोगों को देखने को मिले हैं और ये बड़े दुख की बात है। बात करते हैं यहां पर आप देख सकते हो एक ये शालिनी बहन सुल्तानपुर से आती है, उन्होंने कहा है भैया इनको ढूंढने में मदद कीजिए। तो इनके रिलेटिव होंगे, लिखा है गुमसुदा की ये तलाश है, ये यहां जो है गायब हो गए हैं, आप कह सकते हो कि ये गुमसुदा चल रहे हैं। यहां पर नाम इनका है राम महेश शर्मा, पिता इनके हरि सहाय शर्मा, पता इनका है भगवानपुर, पोस्ट इनका जो है भंडरा, थाना इनका कुंडवार पड़ता है, जनपद इनका सुल्तानपुर है, राज्य इनका उत्तर प्रदेश है, 32 साल के ये हैं और हुलिया इनका रंग गोरा है, गोल चेहरा है, आंख नाक और जो है बाल ये सब सामान्य है। इस तरह से आप देख सकते हो फोटो भी, अगर किसी को दिखे तो यहां पर ऑल इंडिया को सूचित कर दें। ये देखिएगा कद इनका है 5 से 6 फीट के बीच में है और पहनावा है गोल गला लाल टी शर्ट और हाफ चड्डा। देखो ये तो एक अलग मैटर होता है, यो भी ये हुलिया बताया जाता, क्यों? क्योंकि समय के साथ में उनको अगर कपड़े वपड़े इधर उधर मिल गए होंगे तो हुलिया इनका दूसरा भी हो गया होगा, तो ये एक अलग बात है। गुमसुदी की जो तिथि है वो 29/7/2021 है, समय इनका 3 बजे है। तो ये 29 जो है तारीख को ये गुमसुदा हुए हैं और अभी तक ये घर नहीं वापस गए हैं। देख सकते हो यहां पर उन्होंने लिखा है गुमसुदी जो है हवाले रपट संख्या लिखी है 023 दिनांक 31/7/21 को अंकित कराई गई है। भाई के बताए अनुसार उनका भाई राम महेश शर्मा दिनांक 29/7/2021 समय 3 बजे घर से लाल टी शर्ट और हाफ चड्डा पहन करके घर से निकला था, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं आया, काफी तलाश करने के बाद भी पता नहीं चला, जिससे जो है किसी को भी उक्त गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में कोई जानकारी मिले तो कृपया नीचे दिए गए नंबर पर जो है सूचना करें। तो इनके जो एक भाई है उन्होंने अपने थाने वगैरह में जाकर के थाना जो कुंडवार में है वहां पर अवधेश शर्मा इनके भाई है उन्होंने सूचना दी है। ये देख सकते हो रवि कुमार सिंह जो SSI है यानी SI कह सकते हो, तो यहां पर उन्होंने ये मोबाइल नंबर अपना दिया है, जैसा कि इनका साथ इनके घर के घर का ये नंबर जो है ये इनके घर का है और ये वाला इनका जो है कुंडवार में सुल्तानपुर वगैरह थाने का नंबर है, जो कि थाने का है नंबर 9454404344। साथ ही मोबाइल नंबर इनके घर वालों के ये जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं 9415915902 और 9026435775। इधर चंद्रभान सिंह जो है उपनिरीक्षक है थाना कुंडवार के, उनका भी नंबर दिया है 9450900623 और एक है 6307126856। इस तरह से नंबर पर सूचना आप दे सकते हो ताकि आपकी मदद से हो सकता है वो घर वापस जा सके। अब बात करते हैं यहां पर अगली खबर की, सुनीता बहन जो कि बलिया जिले से आती है, उत्तर प्रदेश राज्य का ये मामला है। इन्होंने यहां पर एक वीडियो भेजा है, इस वीडियो को सुधांशु पटेल चैनल पर आज हम लेकर के आएंगे, देख करके आप लोग चौंक जाएंगे। राशन को लेकर के यहां पर एक घमासान एक जो है युद्ध टाइप का चल रहा है। लिखा है भाई ये राशन वितरण सुहाव बलिया के अभाव में जो है यह दिखाई गई जो आंगनबाड़ी है वो किस तरह से लड़ाई और मार भी रही है औरत, अब सोचिए किस तरह जो है हो रही है। पता नहीं बहन ने गलत भी बहुत यहां पर लिखा हुआ है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। औरत अब सोचिए किस तरह से हो रही है फितरत करने वाली, बताओ क्या चीजें इन्होंने लिखी हैं।
हैं ये पढ़ने से ही नहीं पता चलता, लेकिन हाँ वीडियो से ये पता चलता है कि वीडियो में एक मल्ल युद्ध टाइप का हो रहा है और उसका कारण है कच्चा राशन, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी गलती है। ये कच्चा राशन मानक के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर ना पहुंचाना और सुचारू रूप से उन व्यवस्थाओं को वितरित ना करवा पाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। काफी जगह राशन कम मिलने से गड़बड़ी होती, काफी जगह समूह वाले नहीं देते, काफी जगह कोटेदार मनमानी करते, काफी जगह प्रधान जो है भ्रष्टाचारी में लिप्त है। इस तरह से तमाम चीजों को देख करके अब ये और लड़ाई झगड़े वाले काम बन गए। पहले आंगनबाड़ी के हवाले था पोषाहार, तो कोई झगड़े टाइप के देखने को नहीं मिलते थे। नीरज पटेल इटावा से आती है, उन्होंने अपने वहां से आप देखिएगा ये एक फोटो भेजी है, इसमें लिखा है भैया हमारे यहाँ 3 माह का राशन आया है और 3 माह के राशन में अति कुपोषित बच्चों का राशन नहीं आया है, पर हम लोगों से कहा गया है कि एनआरसी में दिखाकर भर्ती कराओ, हमने कराया अपना और बच्चे की जो माँ का किराया वो वगैरह भी दिया, अब वजन सूची कहा ऑफिस जमा करो, ऑफिस भी जो है किराया लगा करके जाना पड़ता है बताओ, और हर माह मोबाइल में 200 या तथा एमपीआर फीडिंग इनमें से 100 रुपए ये सब जो देने के लिए जो हमको पड़ जाते हैं और कुपोषण के नाम पर हम लोग कुपोषित हुए जा रहे हैं बताओ। नीरज पटेल बहन इटावा से आती है। तो देखो सबसे बड़ी गलती आपकी एक ये कि आपने उस लाभार्थी का और अपना एक उनका यानी किरावा आपने क्यों दिया, ये किराया आप लोगों को थोड़ी देना है, ये कोई ऑर्डर थोड़ी ऊपर से आया है। तो कुछ चीजें आप लोग खोखट में अपने ऊपर इस तरह से बढ़ाती रहती है, जैसे एक्स्ट्रा चीजें करना, अगर विभाग उन चीजों के लिए पैसा ना भेजे फिर भी उन कामों को कर देना, ये आपका सबसे बड़ा एक गलती रहता है। ये सभी बहनों के लिए मैं कह रहा हूं, स्पेशल इनके लिए नहीं। जैसे मोबाइल फोन में रिचार्ज करवाना, अगर गवर्नमेंट रिचार्ज का पैसा नहीं भेजती पहले तो रिचार्ज कराने से फायदा ही क्या। इस तरह से कुछ चीजों को सोचो, जिन चीजों विभाग को अगर काम लेना है तो उन चीजों के लिए वो पैसा पहले भेजे उसके बाद में काम हो, क्योंकि हमारी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है कि हम अपनी सैलरी से काम करवाएं, प्रपत्र बिल वाउचर सब भेजें, उसके बाद में वो पैसे का भुगतान करें, और उसमें भी भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचारी मोटे मोटे निकले हुए पेट उनके अंदर ही सारा पैसा समा जाता है, आंगनबाड़ी वर्कर के हाथों तक जाता ही नहीं है। जैसे यही सेम समस्या जो ब्लॉकों पर आशा बहनों के साथ में भी रहती है, सबसे गरीब श्रेणी में वही एक तरह से मान लो आती है रसोईया और आशा बहनें। आशा बहनों के साथ में भी बहुत नाइंसाफी होती है ब्लॉकों पर, जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के वो सारा पैसा डकार जाते हैं और उनको चवन्नी तक उनके हाथ में नहीं पहुंचने देते। तो इस तरह से जो चीजें हैं अगर हर बहन विरोध करे चीजों का तो शायद कुछ हो जाए, लेकिन ब्लॉक वालों की मिली भगत बढ़िया बढ़िया ऊपर नेताओं के साथ में रहती है, पैसे बस पहुंचा दिए जाते हैं और फिर चाहे छोटा कर्मचारी वर्कर इधर उधर भटकता रह जाए, कोई सुनने दुनने वाला नहीं है। इस तरह से सारी समस्याओं को अंजाम दिया जाता है और भ्रष्टाचारी ऊपर से लेकर के नीचे तक नसों में व्याप्त है हर विभाग में, और इसीलिए कुछ भी यहां पर होता नहीं है। आप शिक्षा विभाग को उठा लो, कौन कहता है शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी शिक्षा विभाग में भी है, यहां पर भी पैसे देकर के बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें समझने वाले समझते हैं और जिनके घर में इस तरह के लोग हैं वो समझते होंगे कि हाँ पैसा दिया जाता है, किस किस कंडीशन में दिया जाता है हर कोई जानता है नीचे से लेकर के ऊपर तक, लेकिन इन व्यवस्थाओं के लिए कोई लड़ता ही नहीं है। कौन लड़ेगा, सोचता है नौकरी चली जाएगी। ऊपर देखिएगा ये ऊषा बहन मुजफ्फरनगर से आती है, सुधांशु भैया नमस्ते, आज मुजफ्फरनगर जिले में मोबाइल फोन वितरित हुए हैं, प्लीज अपने चैनल पर जरूर दिखाना। बिल्कुल ये देखिएगा, तो यहां पर लेकिन एक बात जरूर मैंने जीवन में नोटिस की है, ये जो ऊपर वाले की लाठी है ये जब चलती है तो उसमें आवाज भी नहीं आती है। यहां पर जो भी भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचारी फैलाते हैं या गरीबों का शोषण करते हैं उनका उनके ऊपर उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा खासा खास असर ऊपर वाला नहीं देता, लेकिन उनके बच्चों पर उसका विपरीत असर जरूर पड़ता है। अगर आप गलत करेंगी तो आपके बच्चे यकीनन कहीं ना कहीं वो उनके साथ गलत होगा, ये हमने नोटिस किया है। तो आप लोग इस बारे में थोड़ा सोचें, जो भी लोग आपका शोषण करते होंगे यकीन मानिए भविष्य में आपके बच्चे आगे बढ़ते चले जाएंगे और वो गड्ढे में घुसते चले जाएंगे। ये कड़वी सच्चाई है समाज की, लेकिन फिर और इसको जो कोई समझता है वो इन चीजों को फिर अंजाम नहीं देता, लेकिन यहां पर जो चीज इन लोगों जो ये चीजें जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो लोग भ्रष्टाचारी की ओर जो बढ़ते चले जाते हैं, उनको लगता है कि हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे। जो कोई गलत करता है उसको महसूस होता है कि मैंने गलत किया है और उस कारण मेरा ये हुआ है, तो उसके अंदर से इस तरह की चीजें मिटती जाती हैं। खैर जिसका जैसा अपना मन हो, लेकिन शोषण किसी भी गरीब आदमी का नहीं करना चाहिए, ये एक जो है मेन पॉइंट होना चाहिए। सोनावती बहन है सुल्तानपुर से आती है, इनका मैसेज है गुड इवनिंग भैया जी, मैं सुल्तानपुर जिले से आंगनबाड़ी कार्य करती है और भैया जी हमारे यहाँ कल 22 तारीख को मोबाइल फोन वगैरह इन लोगों को यानी परसों मिल गए हैं, तो ये वो कहना चाहती है 22 तारीख को। देख सकते हो इसमें ना व्हाट्सएप ना यूट्यूब ना गूगल ना प्ले स्टोर कुछ भी चलता नहीं है, तो ये तो चीजें पहले भी
भी बताई जा चुकी हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर उषा देवी बहन सिद्धार्थ नगर से आती हैं। समूह प्रधान व ब्लॉक के कर्मचारी बंद करें मनमानी, प्रभावती बहन ने इसके लिए आवाज उठाई है। देखिए सब जगह मैंने कहा ना अभी भ्रष्टाचारी पर इतना बोल दिया, अब ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है। ये जो है भनवानपुर वगैरह लिखा हुआ है, भनवापुर सॉरी, वहां पर आयोजित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई है, उसमें ये प्रभावती बहन ने जो अपनी बातों को यहाँ पर रखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए भ्रष्टाचारी इतनी आसानी से कहां मिटती है। सिद्धार्थ नगर में एक आपने मैटर लिखा था, उसके लिए प्रूफ भी थे, फिर भी शायद मुझे लगता है कार्रवाइयां होने में कितना समय लग गया और पता नहीं अभी तक हुई होगी कि नहीं। निदेशालय को भी सीडी में सबूत भर करके भेजे गए थे, लेकिन यही होता है ना, भ्रष्टाचारी जो करते हैं वो भ्रष्टाचारी लोगों को ही बढ़ावा देते हैं, इसीलिए कुछ होता नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे हाथ सबके रंगे हुए हैं। तो कौन जो है दूसरे की काली पोतेगा, जो पोतेगा उसके हाथ में खुद लग जाएगी, इस तरह से भी मैटर है। और खुद जो है समेटे खुद बैठे हैं, भ्रष्टाचारी किए बैठे, तो कौन कार्रवाई करेगा जो खुद भ्रष्टाचारी में लिप्त होंगे। अनीता अवस्थी बहन हरदोई से आती है, उनका मैसेज है, सुधांशु भैया ब्लॉक भरवावन जनपद हरदोई से अनीता अवस्थी हम बोल रहे हैं। और लोगों की जो है मार्च में भी प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग हुई थी और अभी तक सर्टिफिकेट हम लोगों को नहीं मिले, क्या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो बहन आप सब बताएं, क्या जो प्री प्राइमरी की जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है क्या उन सबको सर्टिफिकेट मिले। देखो मेरे कहने का मतलब है दो तरह से समझना, एक बीएलटी थे और एक आपका ऐसे ही था, यानी बहनों की एक ट्रेनिंग थी, यानी दो तरह से, एक में तो सुपरवाइजर बहने और कुछ एक दो एक आध आंगनबाड़ी बहने जिनको ट्रेनिंग दी गई थी, जिनको ट्रेन किया गया था ताकि वो अपने ब्लॉक की अन्य आंगनबाड़ी बहनों को भी ट्रेनिंग दे सके। तो मुझे लगता है जो मास्टर ट्रेनर के रूप में थी उनको यहां पर प्रमाण पत्र टाइप के दिए गए थे, और सिंपल बहनों को ज्यादातर नहीं मिले हैं जिलों में। कहां कहां मिले हैं और किस कंडीशन में मिले आप लोग बताना, कि आपको सिंपल ट्रेनिंग दी गई थी ब्लॉक पर, उसमें फोन सभी बहन उसमें सर्टिफिकेट सभी बहनों को मिले हैं ये भी बताना, या आप मास्टर ट्रेनर थी तभी आप लोगों को केवल दिए गए हैं, सिंपल वाली बहनों को नहीं दिए गए, इसके बारे में आप लोग अवगत जरूर कराना। कमला जो है कमल कुमार जी कटिहार से, इनका कहना है सुधांशु भैया नमस्कार, बिहार राज्य में दिनांक 25 अक्टूबर से आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन होने जा रहा है क्या, यह बात सत्य है, कृपया जानकारी कर बताएं। देखिएगा ये वीडियो नहीं देखते, मैं साफ शब्दों में इनसे कहना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि अगर ये वीडियो देखते तो इनको ये पूछना ही नहीं पड़ता। अभी मैंने दो बार उस लेटर को दिखाया है आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर के, बिहार में एसओपी भी मैंने दिखाई है, नई यानी मानक संचालन प्रक्रिया, और विस्तार से सब बताया भी है, केंद्र संचालित हो रहे हैं, हार्ड कुक्ड मील वगैरह के बारे में सब कुछ बताया, फिर भी ये पूछ रहे हैं, मतलब ये वीडियो नहीं देखते हैं। तो कृपया समय निकाल करके अपना वीडियो डेली देखा करें। आगे सरोज सिंह बहन गाजियाबाद से आती है, इन्होंने अपने वहां से के फोटो भेजी है, और इनके अलावा एक ये बहन है गीता जो कि सीतापुर से आती है, इनके अलावा एक ये बहन है कुंदन भाई है सहरसा से, इनके अलावा ये बहन है कैलाशपति जो कि मऊ से आती है, इनके अलावा ये बहन है मेवाती जो कि देवरिया से आती है, और यहां पर एक मैसेज और है, अंजना बहन है उनका भी मैसेज है, इन्होंने कहा सुधांशु भैया नमस्ते, आंगनबाड़ी बहनों के लिए सरकार ने एक कमी छोड़ी है, आंगनबाड़ी के हाथ में एक कटोरा भीख मांगने के लिए और दे दे तो बस ये ही जो है बचा है, ये कंडीशन हो गई है आंगनबाड़ी बहनों की। कमला देवी बहन है, उनका कहना है दिन में भी जो है मेरे भी दिख रहे थे परंतु शाम को संख्या आ गई, घबराने की जरूरत नहीं है, यानी वो पोस्टर ट्रैकर वाली दिक्कत के बारे में उन्होंने कमेंट्स किया था, तो पोस्टर ट्रैकर पर जो कमेंट दिक्कत आ रही थी वो शाम 7 बजे से सब कुछ जो है सही हो गया था, दिन में थोड़ी देर तक ये रहा था। निशा कुमारी बहन का कहना है भाई मेरे सिवान जिले में 2 महीने का मानदेय आया है, तो बिहार राज्य में सिवान जिले में 2 महीने का मानदेय आया है आपको इस कमेंट्स के माध्यम से पता चला है। अब देखिएगा बहुत से भाई बहन जो स्टार्टिंग में ही देख करके भाग जाते हैं उनको बहुत सी जानकारी नहीं मिल पाती है। अंकित शुक्ला जी हैं, उनका भी मैसेज था अब तो हम लोग कूड़ा उठाने का भी काम करेंगे, अब यही बाकी था तो यह भी करवाया जा रहा है, दलिया और तेल को जो है पॉलीथीन में सरकार दे रही है और पॉलीथीन कह रही है कि बीन बीन करके जमा करो। कल मैंने बस्ती जिले का लेटर दिखाया, उसके पहले भी मैंने ऑर्डर बस्ती जिले का दिखाया था, आप लोगों को इसके बारे में पता हो चुका है। अब देखिएगा यहां पर इनका कहना है परमेश्वर यादव जी का कि पोस्टर ट्रैकर आज दिन में नहीं खुल रहा था लेकिन शाम 7 बजे देखिएगा उन्होंने कहा कि खुलने लग गया, तो अच्छी बात है। आगे देखिए यहां पर भारत शर्मा जी हैं, उनका कहना है यानी भरत शर्मा हैं, इनका कहना है कि सभी बहनों से निवेदन है कि सभी बहनों के जो संगठन है उनके माध्यम से एकजुट होकर के पूरे भारत देश में एक साथ भारी संख्या में अनिश्चितकालीन आंदोलन करने की विशेष आवश्यकता है, और तभी जो है बहनों की सभी मांगे पूरी होंगी और तब भी जो है कोई भी सरकार आपके हित में कुछ भी जो है वो करने वाली वरना नहीं है, अगर आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे अनिश्चितकालीन वो भी, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अब क्या कहें, वो यूनियन वाले अपना डिसाइड करेंगे कि उनको करना है या नहीं करना है। सूर्य ठाकुर जी, उनका कहना है भैया जी नमस्कार, मैं गोंडा जिले से रीता सिंह एक सहायिका है और इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है और कार्यकर्ता के पद के लिए, इनका हो जाएगा कि नहीं, वीडियो में ये सब देखा है और पहले वाला, लेकिन योगी सरकार में ज्वाइनिंग नहीं होगी हमको लगता है, ऐसे तरह से उन्होंने अपने ही मन से जो भी चीजें हैं वो सब बताई करी हैं। तो यहां पर हम क्या बताएं, चयन प्रक्रिया जगह जगह चल रही है, उसमें सारे प्रावधान होते हैं, उसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है, मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और जब इस
सब चीजें एक एक करके होती जाएंगी, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। अब सरकार की नीतियां क्या है वो गवर्नमेंट जाने, क्योंकि प्रमोशन तो सरकार ने 2017 से 2021 चला गया, अब जाने वाला है, चल ही गया समझ लीजिए, अभी दिसंबर जाएगा, 2021 जाएगा, अब 22 आ जाएगा, तो सोचिए इतने सालों में नहीं किया है तो भर्ती के बारे में हम क्या कहें, तो गवर्नमेंट सोचिए वो उसे क्या करना है। सुनीता जी हैं, उनका कहना है कि गुड मॉर्निंग भैया जी, करेक्ट प्रॉब्लम तो हो रहा है और पोस्टर ट्रैकर में कब कौन सी प्रॉब्लम आ जाए, योगी महाराज का काम करने में बहुत जो है फास्ट माइंड चलता है, प्रोत्साहन राशि कोई भी कैसे ले पाएगा, ऐसे में एक ही लाभार्थी के घर डेली कौन जाएगा भाई, एक तरफ पॉलीथीन बंद करने के आदेश और दूसरी तरफ बाल विकास विभाग में पॉलीथीन का ही अंबार लगा है, क्योंकि जब भी राशन वितरण होता है तो पॉलीथीन में भर करके ही दिया जाता है, और दूसरी तरफ आप देखिएगा पॉलीथीन को बीनने के लिए बस्ती में ऑर्डर निकाले गए, तो कहने का मतलब है यही अधिकारी लोग जो लेटर निकालते हैं इन्हीं को नहीं पता कि हम क्या निकाल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, खुद गलत कर रहे हैं और खुद दूसरों से सही करने के लिए कह रहे हैं, यानी पहले वो कहावत है ना, हगते हैं उसके बाद में खुद ही लिपते हैं, ये चीजें हो गई हैं, क्यों, क्योंकि अगर इनको पॉलीथीन बिनवानी ही है वर्कर बहनों से, वहां पर ग्राम पंचायत के हिसाब से 2-2 किलो बस्ती में और जो है आदेश निकाला गया कि वो बीन करके पॉलीथीन कूड़ा कचरा जमा करें और भरते हुए फोटो भी भेजें बोरी में, बताओ ये काम करवाया जा रहे हैं, एक जो है यहाँ पर कूड़ा बीनने वाले से भी जो है बदतर हालत हो गई, कबाड़ी से भी ज्यादा, अब समझ सकते हो यहाँ पर, और दूसरी तरफ क्या करते हैं जो राशन वितरण करवा रहे हैं लाभार्थियों को, उनको पॉलीथीन में भर भर करके दे रहे हैं, ये इनकी जो है ये व्यवस्थाएं हैं, इनको देख सकते हो आप किस तरीके से ये काम करवाते हैं, खुद करेंगे पहले गलत और उसी को बाद में आपसे कहेंगे इसको सही करो, ये चीजें दिखावे के लिए, वो कहते हैं हाथी के दांत दो तरह के, खाने के और दिखाने के, और वहां पर भी यही है, ये लोग करते सब गलत है जो चीजें और बाद में उस पर जो अच्छे अच्छाई के फिर लेक्चर जो है देते रहते हैं, इस तरह से आने वाले मैटर से आप लोग क्या समझते हो, आप अपनी बात को कमेंट में जरूर रखना, क्योंकि ये एक बहुत भद्दा मजाक है, एक तो पॉलीथीन आप उसी को बंटवा रहे हो चारों तरफ फैलवा रहे हो और दूसरी तरफ आप कह रहे हो वर्करों से आप जाओ पॉलीथीन बीनो और बोरी में भरो, फोटो खींचो और डालो, इससे देश जनता को दुनिया को दिखाएंगे कि बहुत ज्यादा हमारे यहां पर साफ सफाई के अभियान चलते हैं, भारत को स्वच्छ किया जा रहा है, अगर स्वच्छ ही करना है भारत को असली में तो पहले एक तो भ्रष्टाचारी इसको मिटाओ, भ्रष्टाचारी अगर थोड़ी मिट जाए तो ज्यादा मुझे लगता है अच्छे तरीके से भारत साफ हो जाएगा, और दूसरी तरफ आपके द्वारा लिए गए जो डिसीजन है ये इनको पहले बदलो, ये जो पॉलीथीन में आप बंटवा रहे हो ना ये तो सबसे बड़ी जो भ्रष्ट एक तकनीकी है, क्योंकि इनको कागज वाली कुछ चीजें बनवानी चाहिए थी, लिफाफे टाइप के बड़े उनमें इनको देना चाहिए था, लिफाफे बनवाने के लिए लोगों को रोजगार भी मिल जाता, लेकिन गवर्नमेंट पता नहीं क्या डिसीजन लेती है और क्या नहीं लेती है, और अधिकारी उन पर क्या करते हैं, वो कहते कुछ और हैं ये करते कुछ और है, क्योंकि पॉलीथीन सस्ती मिल जाएंगी आपको पता है, बनाने में खर्चा भी इनको कम आएगा, ये 100% चीजें हैं, तो ये चीजें हैं, आप समझदार हैं तो समझते होंगे कि गवर्नमेंट खुद क्या करती है और खुद क्या कहती है और दिखाती क्या है लोगों को। मुजफ्फरनगर वगैरह में देखिएगा ये आंगनबाड़ी की भर्ती चल रही, वहीं से एक जो है आप लोगों को जानकारी दी है, मुजफ्फरनगर से जो आते हैं वो फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अब आपको हम अगले वीडियो में मिलेंगे शाम को, दोस्तों आज सुबह का वीडियो कैसा लगा धन्यवाद दोस्तों, अगर कमेंट्स में जो कमेंट्स आपने नहीं किए तो जरूर करना और कमेंट्स में अच्छी अच्छी जानकारी और समस्याएं इस तरह से लिखा करें, बहुत से भाई बहन, एक बहन ने लिखा था कि भाई ज्यादातर बहनें क्या करती हैं,